तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कमांडो भाई और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात करने जा रहा हूं। वो भी इस वजह से कि मैं एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूं कि जैसे अक्सर हमारे पास क्या होता है कि कार वॉशिंग में लड़के बदली होते जाते हैं, हर बार लड़कों को वही चीज़ बार बार रिपीट करना, बार बार वही चीज़ सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये सोच के एक नए बिगनर्स के लिए ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, या जो लोग ऐसे जिनको गाड़ी खोलना नहीं आता, सीट आगे पीछे करना नहीं आता, डिग्गी खोलनी नहीं आती, वैक्यूम करना नहीं आता, किस तरह से फॉर्म वॉश करते हैं वो नहीं आता, किस तरह से गाड़ी में पानी मारते हैं वो नहीं आता, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। आप अगर वॉशिंग करना जानते हैं, आप सब कुछ डिटेलिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को मत देखिए, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो नया काम शुरू कर रहे हैं या उनके लड़के बार बार चेंज हो जा रहे हैं। तो आप अपने जो भी नया लड़का आप अपनी दुकान में वॉशिंग के लिए रखते हैं, तो उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि यार एक बार ये वीडियो देख लें और इसी हिसाब से आपने काम करना है। और ये मैंने भी फील किया, मेरे पास भी काफ़ी नए नए लड़के आते रहते हैं, लड़के चेंज होते रहते हैं, लड़के काम सीखते हैं, अपना खुद का काम करते हैं, तो काफ़ी खुशी होती है इस चीज़ में। तो अब हर बार नए लड़कों को काम सिखाना मेरे लिए भी थोड़ा टफ होता है, क्योंकि छोटी छोटी अगर चीज़ें मैं भूलता हूँ तो वो लड़के के जहन में वो जिंदगी भर के लिए मिस रहती है। तो एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जिसमें A to Z सारी जानकारी रहे। तो ये जो है ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये नए लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी वॉशिंग नहीं आती, तो मैं Day 1 से स्टार्ट करूँगा, आपको A to Z चीज़ें बताऊँगा। तो इसमें साथ देंगे मेरा मनोज भाई आज मेरी शॉप में नए आए हैं और ये खुद काम सीखना चाह रहे हैं और बहुत जल्द अपना वॉशिंग सेंटर चालू करना चाह रहे हैं। तो इनको A to Z जानकारी मैं दूंगा और इसके माध्यम से आपको भी ये नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। तो काफ़ी खुशी होती है जब कोई लोग आपके पास काम सीखने आते हैं अपने खुद के बिजनेस के लिए, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए। तो हम आपसे भी करेंगे, अगर आप भी अगर ये काम सीखना चाह रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर आप मेरे पास भी अगर आना चाह रहे हैं तो आप आ सकते हैं। आज मैं इस चीज़ की बात पे मोहर लगाता हूँ कि आप लोग मेरे पास आ सकते हैं काम सीखने के लिए। काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी तंग किया, तो मैंने सबको हर समय मना ही किया, लेकिन अभी के समय मेरे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं, हम दो लोग या तीन लोग काम को नहीं झेल पाते, तो हमें आपकी भी मदद चाहिए कि आप आइए यहाँ करिए, मशीनों को देखिए, प्रोडक्ट को देखिए, हर सामान देखिए, आप कैसे यूज होता है खुद प्रैक्टिकल कीजिए, हम आपसे ही सारा काम करवाएंगे। जब आपको लगता है इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपने अपने खर्चे में यहाँ आना है, खुद का खाना पीना करना है, मैं सिर्फ आपको काम सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप इस उम्मीद में मत आइएगा कि पैसे मिलेंगे या फिर पैसे देने पड़ेंगे। तो ना मैं आपसे पैसे लूंगा, ना मैं आपको पैसे दूंगा, आपने काम सीखना है अपने दम पे और अच्छा सीखना है। सेरेमिक कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, रबिंग, ड्राई क्लीन, फॉर्म वॉशिंग, इंटीरियर क्लीनिंग, इंजन क्लीनिंग, अंडर बॉडी वॉश, डीजल वॉश, चेन क्लीनिंग, तो ये सारे अगर चीज़ें आप सीखना चाह रहे हैं, मेटल पॉलिश करना, हर चीज़ सीखना चाह रहे हैं, गाड़ी में रबिंग करना सीखना चाह रहे हैं, तो आप मेरे पास आ सकते हैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना फुल एड्रेस डालूंगा, तो आप उस एड्रेस पे गूगल पे सर्च करके यहाँ पहुँच सकते हैं, तो और मुझे फ़ोन करके भी मुझसे बातचीत कर सकते हो। अगर आप आने में असमर्थ हैं, बजट कम है, तो आप ये जो मेरा सेगमेंट है नई ट्रेनिंग का, आप इसको देखकर भी सीख सकते हैं या आपकी दुकान में जो नए लड़के आ रहे हैं उनको सिखा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं Day 1। तो हाय फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक नए रिक्रूट आए हैं जिनका नाम है मनोज भाई, और इनको हम गाड़ी धोना सिखाएंगे किस तरह से गाड़ी धोई जाती है। तो ये मेरी अभी गाड़ी धुली धुलाई है, बस इसमें हल्की सी फुल्की धूल है, ये आप देख सकते हैं हल्की फुल्की धूल है यहाँ पर, ये गाड़ी ज़्यादा गंदी नहीं है, खाली बाहर से धूल ही धूल है, हल्की हल्की, देखो यहाँ पर कुछ किसी ने कुछ ये हाथ से वो बना रखा है धूल का, तो ज़्यादा गाड़ी गंदी नहीं है। लेकिन आपको सिखाने के पर्पज़ से मैं यहाँ पर राहुल भाई को सिखा, आज इनका Day 1 है, तो सबसे पहले इन्होंने ये फर्श की धुलाई करी यहाँ पर इस साइड पर, तो अब इनको मैं गाड़ी धोना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले राहुल भाई क्या करना है, आपने गाड़ी का दरवाज़ा खोलना है और हाँ खोलो, और सारी जो अंदर की मैट है, सारी मैटें आपने डबल मैट या सिंगल मैट जो भी है गाड़ी में सब बाहर निकाल लेना है, और ध्यान रखना है जो इस तरह की कारपेट है, अगर इस तरह की कारपेट गाड़ी के अंदर है, साफ सुथरी है, ज़्यादा गंदी नहीं है, झाड़ के साफ हो जाएगी, तो उसको धोना नहीं है आप लोगों ने, तो आपने इसको नीचे फेंक देना है और इसको किसी अच्छी जगह पर, इस वाली मैट को कहीं सूखी जगह पर रखना है। तो इसी तरह अब इस सीट को आगे करना है आपने, इस सीट को नहीं ये नहीं, ये नहीं, नीचे यहाँ पर एक लीवर होगा, इस लीवर को ऊपर उठाना है और सीट को पीछे, देखो इनसे सीट हाँ ऐसे उठाना है ऊपर को, और सीट आगे करनी है, आगे करनी है, आगे करनी है, ऐसे नहीं, एक हाथ कैमरा पकड़ो, ये देखो ये यहाँ भी देखो ये ऊपर को उठेगा, ये गाड़ी की सीट आगे जाएगी, ठीक है, ये ऐसे जाएगी। तो राहुल भाई ने ये सीट ऊपर आगे करना सीख लिया है, देखो सीट आगे हाँ, और ये हाँ आगे करो, आगे करो, बस अब ये जो लीवर होता है इससे गाड़ी का जो ये एरिया है, करो आगे करो, इसको आगे करो, ये एरिया आगे को आ जाएगा, जिससे हमें काम करने में थोड़ी मदद मिलती है। तो एक बार दोबारा से लीवर ऊपर करो, और ये चीज़ पीछे देखो, ये चीज़ आगे पीछे हो जाएगी इससे, बस। तो राहुल भाई बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनको गाड़ियों को के बारे में इनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, तो इस तरह से हम आपको Day 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, पसेंजर साइड में जाना है, तो आप पसेंजर साइड में आए, दरवाज़ा खोलो,
हाँ, अब सीट को जैसे मैंने बताया था गाड़ी अभी लॉक है, तो गाड़ी को अनलॉक करना हम सिखाते हैं। तो आइए जरा राहुल भाई, गाड़ी का दरवाजा मैंने आपको बताया था किस तरह से अनलॉक किया जाता है, दरवाजा खोलो। तो आजकल की जो बी एस6 गाड़ियां हैं उनमें लॉक अनलॉक दरवाजों में दिया होता है, तो कैसे अनलॉक करोगे गाड़ी के दरवाजे? देखो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, ये वाला, इसको दबाओ बस। तो सारी गाड़ियों के एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बटन यहाँ पर मैंने दबाया और ये देखिए एक्शन, ये दरवाजा बंद, ये मैंने अनलॉक का दबाया, तो ये देखिए ये अनलॉक का दबाया तो गाड़ी के लॉक ये बंद हो गए। अब वहाँ पर देख सकते हैं लॉक अनलॉक, लॉक अनलॉक। तो अब अभी हमारी गाड़ी के सारे दरवाजे अनलॉक हो गए हैं। तो दरवाज़ा अब दौड़ के जाओ पसिंजर साइड, हाँ, तो ये दरवाज़ा अनलॉक हो गया। तो इसकी भी मैटे निकालो, आप सीट को पहले पीछे करो, सीट को पहले पीछे करो, पीछे को, हाँ। अब ये दोनों दोनों मैटे निकालो, एक दो बाहर निकालो, हाँ, यहीं पर रख दो जमीन में, हाँ। अब सीट को आगे कर दो, हाँ। अब उसका ये हेड को टेढ़ा करो, हाँ, करो आगे, करो पूरा आगे, करो बस। अब पीछे का दरवाज़ा खोलो, तो ऊपर वाली मैट निकालो। इससे क्या है कि हमारी जो मैट है हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ये आराम से निकल गई है। अपने साइड बाहर निकाल लो, पूरा जमीन में रख दो। अब इसकी अंदर वाली डबल जो मैट है कारपेट वाली, इसको निकालो, ये भी और ये भी। तो सबसे पहले हमारा काम है गाड़ी के अंदर की सभी मैटों को निकालना। तो हमने यहाँ पर डिफरेंस रखा है कि जो ऊपर वाली मैट है उनको जमीन में, इनकी अभी वॉशिंग होगी, और जो अंदर की कारपेट है इनको हमने यहाँ पर रख दिया है क्योंकि ये मैटें साफ़ हैं, इसको हल्का फुल्का हम ब्रश से झाड़ेंगे और साफ़ कर देंगे। तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है, हमने लेना है ब्रश। तो यहाँ पर हमने एक ब्रश ले लिया है और गाड़ी के अंदर हम पहले सबसे पहले ब्रशिंग करेंगे। राहुल भाई करो, फिर आगे की सीट को पीछे करो, नहीं ऐसे नहीं, हाँ पहले इसको सीधा करो, इसको सीधा नहीं भी करोगे चलेगा, हाँ सीट को पीछे करो, हाँ आगे उठा के उठा के, हाँ पीछे करो पूरा पीछे, हाँ बस। अब ब्रश से सारा कोना सारा कूड़ा एक किनारे में लाओ, हाँ। तो कई बार क्या होता है गाड़ियों में मैटिंग, फ्लोर मैटिंग बिछी होती है, और कई बार गाड़ियों के नीचे फ्लोर मैटिंग बिछी नहीं होती है, कारपेट होता है। तो सारा कूड़ा हमने ब्रश की मदद से एक किनारे में इकट्ठा कर लेना है, जितना हो सके मोटा मोटा कूड़ा। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, सीट को पहले पीछे करना है बस। अब सारा कूड़ा एक साइड में किनारे में। तो यहाँ पर अभी गाड़ी हमें साफ़ है हमारे पास, अगर गंदी होगी तो तब भी आपने क्या करना है, सारा कूड़ा एक किनारे में इकट्ठा करना है। तो राहुल एक किनारे में इकट्ठा करो सारा कूड़ा, ताकि हमें वैक्यूम करने में आसानी रहे बस। और हाँ, ये सब चीज़ लेनी है बस। तो इसी तरह से अब गाड़ी की पीछे सीट में हम आ गए हैं, तो इसमें थोड़ा सा गंदा है, तो सारा गंदा अगर जैसे यहाँ पर थोड़ा गंदा छूट गया तो हमने वैक्यूम से साफ करना है। तो सीट के नीचे कॉर्नर में उधर थोड़ा सा गंदा है, बस बस बस, हाँ थोड़ा यहाँ को फेंक दो। इसके बाद सीट में मारो जरा एक बार, ये जो सीट है इसमें झाड़ू ऐसा मारो कि, हाँ अपने साइड को ले लो सारा झाड़ू या नीचे गिरा दो, हाँ तो इसी प्रकार हमने गाड़ी के दूसरी कोने में आ गए ड्राइवर साइड के पीछे। तो इससे क्या होता है झाड़ू से, मतलब ये ब्रशिंग करने से, कि हमारा वैक्यूम में जो बिजली का खर्च होता है वो हमारा सेफ हो जाता है। तो हमने सारा कूड़ा एक साइड को कर दिया, तो कारपेट हो चाहे फ्लोर मैटिंग हो आपने एक बार ब्रशिंग जरूर कर लेनी है। हमारा वैक्यूम यहाँ पर आ गया, तो राहुल भाई कैसे करोगे, पहले सीट को करो पीछे। तो ये जो राहुल सॉरी मनोज भाई हैं, ये बिल्कुल फ्रेश हैं, इनको अभी सीटों को आगे पीछे करना, मैं भी थोड़ा अभी पहली बार पता लगा ऐसे होती है। तो वैक्यूम करो, जो हमने कॉर्नर पे यहाँ पर जो हमने कूड़ा इकट्ठा किया था बाकी साफ कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पर से ये कूड़ा उठा देंगे वैक्यूम से। हाँ इसको ऐसे करो, बटन ऑन करो बस, ठीक है ले आओ, खेत के अंदर डालो। तो इस तरह से हमारा देखो वैक्यूम, एक मिनट, तो सिर्फ दो से तीन सेकंड में हमारा वैक्यूम कंप्लीट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने ब्रशिंग की थी। अब तो अब हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम, बस अब सीट को आगे करो बस, मुंडी टेढ़ी कर दो उसकी, टेढ़ी आगे को, आगे को, आगे को, आगे को, हाँ ताकत नहीं लगानी, खुद ही चले जाएगी।
अब वैक्यूम को याला दरवाज़ा खोलो, हाँ, और वैक्यूम को लाओ, हाँ, और सीधे सीट के सेंटर पे रख दो वैक्यूम को, वैक्यूम को पूरा डब्बा उठा के, पूरा डब्बा उठा के सेंटर पे रख दो, हाँ। बस तो यहाँ पर अभी हम करेंगे पीछे का वैक्यूम, पकड़ो पाए उसको पकड़ो, हाँ अच्छा। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि वैक्यूम को जो आप यूज करोगे तो वैक्यूम को कभी भी ऐसे यूज नहीं करना है, वैक्यूम को तिरछे में ऐसे यूज करना ही है, तब ये पूरा कूड़ा खींचेगा, ठीक है। ऐसे तिरछे में यूज करोगे तो ये पूरा कूड़ा खींचेगा। तो ये ऑन कर दिया वैक्यूम हमने, हाँ, और अब इसका मुंह यहाँ को घुमाओ, हाँ, अब इसको इस कॉर्नर में डालो, नीचे से नीचे से, हाँ खेचो पूरा, आगे पीछे खेचो, हाँ हाँ, अब यहाँ से भी डालो, हाँ नीचे से नीचे से, जो ये रेली है उस रेली के ऊपर से ऐसे नहीं ऐसे घुमा के इसके नीचे से, ये हाँ खेचो, आगे पीछे खेचो, एक जगह नहीं, हाँ हाँ, अब ये वाला पूरा ये पीछे 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 पीछे, हाँ बराबर करो, आगे पीछे करो, हाँ ऐसे करो, हाँ करो, हाँ करो, उस साइड का कंप्लीट हो गया। तो अब वैक्यूम को आपने बाहर निकाल लेना है। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल जिनको गाड़ी का ABCD पता नहीं है। तो रुकना अभी राहुल भाई, तो अब राहुल आप इस साइड की बारी, मनोज भाई करो वैक्यूम का बटन ऑन करो पहले, बस अब करो, तो यहाँ पर राहुल भाई सीख गए हैं वैक्यूम को यूज़ करना। तो देखो एक बार रुक के दिखाओ, हाँ तो इस तरह से शिक्षा रखा है इन्होंने, देखो दरवाजों में कोई सामान है तो हाथ से निकाल लो, जैसे रुमाल है निकालो, झाड़ो उसको, हाँ दादा बहुत बढ़िया, जो हाथ में कपड़ा उसको भी झाड़ो, झाड़ो हाथ से झाड़ो, हाँ झाड़ो उसको, मशीन ऑफ कर लो बोले, हाँ झाड़ो उसको, हाँ अब इसको आप जहाँ से निकाला वहीं रख दो। तो यहाँ पर अब हमने धोनी अब साफ़ करनी है डिग्गी इसकी, तो गाड़ी के चारों दरवाजे बंद कर दो पहले, बस हो गया, अभी दो ही बंद करो यहाँ पर से। अब पीछे आओ, अब हाँ आओ, कर दे, हाँ आ जा। अब गाड़ी के यहाँ पर लॉक होता है, देखिए एक रबड़ का जैसा यहाँ पर एक बटन है, इस बटन को दबाओगे गाड़ी की डिग्गी खुल जाएगी, ठीक है। तो गाड़ी के यहाँ पर एक बटन होता है ये वाला, ये दबाओगे तो आपको ये आवाज़ सुनाई देगी, तो ये बटन को दबाने से गाड़ी का लॉक खुलता है, जिससे ये गाड़ी हमने बंद कर दी। तो यहाँ पर एक बटन होगा, इसको करने से गाड़ी हो जाएगी। और कुछ गाड़ियों में जब यहाँ पर बटन नहीं होता है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जो इस तरह का सीट का निशान दिखा, देखो ये डिग्गी खुलने का जो ये सिंबल है, इसमें दो होते हैं, एक पेट्रोल का होता है और एक आपका गाड़ी को उठाने का होता है। तो आपने इसको ऐसे उठाना है तो आपकी गाड़ी की डिग्गी खुल जाएगी। कैसे खुलना है, ये जो बटन है इसको आपने कहाँ गया, ये ऐसे उठाना, ऊपर को पुल करना है तो गाड़ी की डिग्गी खुल जाएगी। और कुछ ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं जिनके यहाँ पर वो बटन है, आपने खाली ये सिंबल को देखना है, ये जो चित्र बना है इस चित्र को देखना है। कुछ गाड़ियों में बटन यहाँ पर आगे इस साइड पे होता है और कुछ गाड़ियों में वो बटन यहाँ होता है, कुछ गाड़ियों में यहाँ पर होता है बटन। तो शायद आपने नहीं देखा होगा लेकिन मैंने देखा है, ये सिंबल इस तरह का सिंबल होगा डिग्गी खोलने वाला। और कुछ गाड़ियों में गाड़ी की जो चाबी होती है, चाबी में इस तरह की चाबी होती है, उसमें भी वही सिंबल बना होता है, तो डबल टैप करने पर गाड़ी की डिग्गी खुलती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो डिग्गी हमारी यहाँ पर पूरी तरह से साफ है, तो मैं साफ करने का तरीका बता देता हूँ। आपने सबसे पहले ये मैट को बाहर निकाल लेना है, जो ये मैट है इसको बाहर निकाल लेना है, उसके बाद उसको ब्रश से झाड़ लेना है, फिर आपने जो अंदर का पोर्शन है इस पोर्शन को आपने वैक्यूम से साफ कर लेना है। टायर हो सके टायर बाहर निकाल दो, जो सामान है एक्सेसरीज है ये बाहर निकाल लो। इसके बाद आप
वैक्यूम करो इसमें, या अगर कपड़ा मारना पड़े गीला गीला कपड़ा मार के सुखाओ, उसके बाद इसको फिट करो दोबारा से, और इसको आपने वैक्यूम दोबारा से करना है। ये साइड के कॉर्नर, ये एरिया आपने पूरा वैक्यूम करना है, ये एरिया, ये सारा एरिया आपने आगे का वैक्यूम करना है। तो यहाँ पर डिग्गी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसलिए हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये डिग्गी हमने बंद कर दी। तो यहाँ पर हमने जो ट्रेनिंग ली वो हमने ली वैक्यूम करना। तो मनोज भाई जी, आपको किस चीज़ में दिक्कत आई और क्या चीज़ सीखा आपने? आगे पीछे सीटें, आगे पीछे डिग्गी खोलना कैसे करते हैं करके, तो ये चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई हैं?